आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन टाइम्स नाउ। नव भारत पर राम की नगरी अयोध्या से सूर्योदय हो चुका है और बेहद ही खूबसूरत इन तस्वीरों के बीच न सिर्फ अयोध्या की ठंड में मौजूद श्वेता और मैं, हम यहाँ से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश भर में खासतौर पर उत्तरी भारत में ठंड से हाल बहुत बेहाल हो चुके हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और इसका असर मैदानी इलाकों में, जैसे यहाँ हमें फील हो रहा है, शीतलहर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लेह लद्दाख, श्रीनगर, मनाली में तापमान जो है वो माइनस में बताया जा रहा है। कई राज्यों में स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं, हमें भी काफी ठंड आज ज्यादा महसूस हो रही है, कह सकते हैं। ठंड तो है लेकिन आज ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए पूरे भारत में इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है। देश भर में सर्दी का सितम है। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक स्कूल बंद हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है तो वहीं पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में आ गया है तो वहीं लेह लद्दाख, श्रीनगर, मनाली में तापमान माइनस में है। तो वहीं दिल्ली में पारा 7 डिग्री सेल्सियस है, चंडीगढ़ का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं माउंट आबू में पारा 9 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं पहाड़ की बात करें तो लेह में -12 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लद्दाख में -9 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में -3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरी जनवरी को कोल्ड डे घोषित कर दिया है, साथ ही 9 और 10 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में 8वीं तक सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि पंजाब में 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड के डबल अटैक को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, मतलब आने वाले दिनों में खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा।